बढ़िया खेल रही थी। पहला गेम अच्छा, दूसरा गेम अच्छा, तीसरा गेम चिकन डिनर, और चौथे गेम में भाई हाइड्रा की टीम को बाहर निकाल दिया भाई। मतलब अंदर रूम के अंदर आके बैठ गए, उसके बाद किक कर दिया है। तो भाई ये तो भाई बहुत गलत लगा भाई मेरे को तो, एंड मैं इसके खिलाफ स्ट्रोंगली बोलना चाहता हूँ कि भाई ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप स्टार्ट ही कर देते भाई जो भी मैनेजमेंट थी वहाँ की, या फिर मैं मोस्टली अगर मैनेजमेंट को ना बोले तो सिर्फ एक बंदा जो वहाँ पर मैनेज कर रहा था उसको, कि भाई अगर स्टार्ट ही करना था तो पहले ही कर देते स्टार्ट। ऑलरेडी तुम लोग डीले तो चला ही रखे थे, खुद के सर्वर इश्यूज की वजह से, खुद के इवेंट की वजह से ऑलरेडी तुम डीले चल रहे थे। तो जब बंदे आकर बैठ गए उसके बाद तुम कौन सी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो भाई खुद की? दिस इज नॉट गुड यार, आप अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कर रहे हो तो ब्रो इट इज नॉट गुड। ऑल्सो तुमने भाई बीच में किसी बंदे को इन्वॉल्व भी किया, दैट यू शुड नॉट डू। तुमने क्या बोला भाई ऋषभ भाई को? तुमने ऐसा बोला कि जाओ डायनेमो कॉल करेंगे तो भी मैं नहीं करूंगा ऐसा। मतलब डायनेमो का नाम क्यों लिया भाई तुमने बीच में, जब बात तुम्हारे सामने हाइड्रा ऋषभ कर रहा है तो तुम डायनेमो का क्यों नाम ले रहे हो भाई? कूल बन रहे हो तुम? कूल मत बना करो, अच्छा नहीं लगता। शुक्र है कि भाई हाइड्रा वाले सारे चिल थे, हम भी बहुत चिल तरीके से देख रहे थे। हम पूरे नॉडविन को करके नहीं बोल रहे, क्योंकि भाई वो नॉडविन बहुत बड़ा है, बहुत इवेंट्स मैनेज करते हैं बेचारे। उधर के एक बंदे की वजह से पूरे नॉडविन को गाली देना भी ठीक नहीं है ब्रो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड जो आप बिहेवियर दिखा रहे थे भाई वो भी गलत लगा। मतलब यार अगर ऑब्वियसली यार एक लैन इवेंट है यार, तो सारी चीज़ अंडरस्टैंडिंग से हो जाती है यार। ऑब्वियसली अगर प्लेयर लेट आए होंगे तो ब्रो उन्होंने सॉरी भी बोला होगा, सॉरी यार हम लेट हो गए, बट उन्होंने एटलीस्ट ज्वाइन किया, और वो भी लेट क्या हुए भाई, तुम्हें बता कर ही गए थे, तुम्हारे एडमिन को इन्फॉर्म करके गए थे कि जो होता है कि ब्रो खाना खाने जा रहे हैं। तो अगर वो खाना खाने जा रहे हैं, अगर लेट हो गए हैं कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई, लेकिन वो एटलीस्ट ज्वाइन तो कर लिए ना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी लेट करके रखे हो। तुम ज्वाइन हो गए प्लेयर्स को बीच गेम में, मतलब रूम के अंदर से तुम किक करके स्टार्ट कर दिए। वो बेचारे उधर कितनी टीम, 16-17 टीम्स में से वो उधर बैठे बैठे देख रहे हैं भाई आधे घंटे तक बाकी टीम्स को। और मैं इतना भी गारंटी दे रहा हूँ बंदे कमबैक भी कर लेते, लेकिन भाई बंदे डिमोटिवेट हो गए इस चक्कर में कि भाई बाकी टीम्स खेल रही है, हमको खेलना नहीं दिया। वो इतने दूर से आए, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, उनको कैसा फील हो रहा होगा भाई? दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट डन। रूल्स रूल्स हैं तो भाई रूल्स खुद के लिए भी रखो। तुम्हारी एंड से डीले होता है तो तुम भी अपने हिसाब से करो भाई कुछ। तुम्हें भी सारी टीम्स को कंपनसेशन देना चाहिए, तुम्हें भी आके सॉरी बोलना चाहिए कि भाई डीले हो गया, ये हो गया। हम बहुत चिल तरीके से बोल रहे हैं, बाकी जिसकी वजह से तुम्हारा इवेंट लोग देख रहे थे तुम्हें भी पता है, तुम अपने चेक कर लेना वाली स्ट्रीम। उधर हाइड्रा के अलावा किसी एक भी टीम का नाम नहीं हो रहा था, तो तुम्हें इतनी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि इतनी ह्यूज ऑडियंस देख रही है, उनकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना भाई तुम्हें। मेरे को तो उसे एक बंदे की है भाई, कितना मतलब गंदा है भाई, कितना रूडली बात कर रहा था, अकड़ दिखा रहा था, दैट इज नॉट गुड यार। प्रोफेशनलिज्म किधर है? वेयर इज दी प्रोफेशनलिज्म? अगर तुम्हारी तरह ही अगर बात करनी होती तो भाई मैं तो इंस्टेंट लाइव आने वाला था, गाली तो देनी रहती है। और को कर दिया होता ना तुमने, मैं नाम नहीं लेऊंगा, चाहे और छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कोई भी और को, अगर तुमने गलती से भी कर दिया रहता ना तो ब्रो तुम पे अब तक इतने इतने न्यूज वीडियोस बन जाती, तुम्हारे ऊपर इतने ट्वीट्स आने लग जाते, तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्या आने लग जाता। और जेन्युइनली भाई तुम लोग अपोलोजी मांग लेते, ये तो खैर हाइड्रा करके वो कुछ बोलते नहीं इतना, उनको इश्यू बनाना पसंद नहीं है, ये तो उन्होंने रिस्पेक्ट रख दी पूरे एरिया की, मतलब वो पूरे प्रीमाइसिस की जो भी इवेंट की गेम की रिस्पेक्ट रख दी, इसलिए वो लोग खेले मेरे हिसाब से तो, वरना मेरे हिसाब से तो खेलना भी नहीं चाहिए था। मैं तो ये देख रहा था डायनो कैसे चिल रहे थे इतना सब होने के बाद, वही तो मैं बता रहा हूँ भाई, डायनो भाई चिल रहे थे भाई। मैं होता ना मैं तो लड़ लेता भाई कसम से, मैं तो अपना टेम्पर लूज कर जाता हूँ तुरंत।